आज का प्रातः क्लास है 23/9/1964 बुधवार। चौथे पेज के मध्याद में बात चल रही थी जब राहु का ग्रहण लगता है, चंद्रमा और सूर्य को काला करने का ग्रहण होता है, राहु काला और चंद्रमा और सूर्य को भी काला कर देता है, कोई दूसरा रंग नहीं, काला। तो तुम जानते हो कि तुमको काला होने में कितना समय लगता है? सूर्य को काला होने में कितना समय लगता है? वो तो जड़ सूर्य है, ये चैतन्य ज्ञान सूर्य भी है। शुरू से लेकर के थोड़ा थोड़ा, फिर जब माया आती है ना तो बहुत काले बनने शुरू हो जाते हो। फिर कहेंगे इस समय से रावण आकर के, क्योंकि रावण को ही राहु की दशा कहेंगे, तो तुम्हारे ऊपर राहु की दशा, ये राहु की दशा है सबसे कड़ी और सबसे अच्छी है बृहस्पति की दशा। कहां राहु और कहां बृहस्पति, अच्छी है बृहस्पति की दशा। तो तुमको अभी बृहस्पति की दशा मिल रही है, प्रैक्टिकल में मिल रही है, यानी तुम पढ़ते हो बृहस्पति से और पुरुषार्थ करते हो। क्या बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो? ये विश्व का मालिक बनने के लिए। किसके द्वारा? राहु के द्वारा या बृहस्पति के द्वारा? वृक्षपति कहो अथवा बृहस्पति कहो, सारे वृक्ष का पति कौन? पत्ते को कहें वृक्ष का पहला पत्ता, तना, टहनिया, फल, फूल, कलियां, किसे वृक्ष का पति कहें? वृक्ष का पति कहो, पिता कहो, है बीज। वो फिर गुरु भी तो है, किसका गुरु? देवताओं का गुरु, वृक्षपति, बृहस्पति और वो है गुरु।
और कौन सा गुरु? विनाशी गुरु या अविनाशी गुरु? अविनाशी कैसे कहें? विनाशी माने क्षरित होने वाला, और अविनाशी माने अक्षर। क्षरित न होने वाला कैसे कहे अविनाशी गुरु? जो षष्ठ रूपी रंगमंच है 5000 साल का, उसमें ऑलराउंड पार्ट है। और कोई आत्मा का ऑलराउंड पार्ट नहीं होता, कुछ न कुछ कम जरूर हो जाता है। तो कहेंगे अविनाशी गुरु, और अविनाशी गुरु भी किसका? अविनाशी गुरु आत्माओं का। वो जो मनुष्य हैं, वो मनुष्य गुरु कोई आत्मा का गुरु वास्तव में नहीं बनते हैं। वो तो मनुष्य मनुष्य का गुरु बनते हैं। मनुष्य का आ ही जाता है जो मन का उपयोग करे। वो अविनाशी गुरु तो सदैव मन है, असोचता है। तो तुम्हारी आत्मा आकर के गुरु कौन बना है? ये वृक्षपति परमपिता परमात्मा, ये तो तुम ही अभी समझते हो कि बरोबर हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है। स्वर्ग के तुम मालिक बनेंगे, ये तो जरूर है। और सुख तो अविनाशी है, परंतु उस सुख में भी पुरुषार्थ की जरूरत है कि हम उस सुखधाम के महाराजा बने, महारानी बने या क्या भी बने। क्योंकि स्कूल में पुरुषार्थ तो हर एक का अपना अपना चलता है ना। तो ये हो गया स्कूल, इनको गीता पाठशाला कहा जाता है। किसकी पाठशाला? किसका पाठ? गीता का पाठ, गीता की पाठशाला। ये पाठशाला रुद्र की या शिव की? ये पाठशाला किसकी है? शिव की पाठशाला है या रुद्र की पाठशाला है? रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, शंकर ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता। रुद्र ज्ञान यज्ञ है।
तो तुम अभी उस ज्ञान सागर की पाठशाला में पढ़ रहे हो, यानी परमपिता परमात्मा जो भगवान वाच तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। कौन सा योग, क्या राज भरा हुआ है, है? इसमें राज भरा हुआ है कि कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करके हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। कहा भी जाता है इंद्रिय जीते जगत जीत, इंद्रियों को कैसे जीतना है, योग बल से जीतना है। और योग किससे, एक परमपिता परमात्मा से। तो ये भगवान तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, बाबा सिखला रहे हैं। कौन सा बाबा, हमारी अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाबा। किसका बाबा, अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाबा। विनाश होना और विनाश न होना, ये कहां की बात है, परम धाम की बात है या इस सृष्टि की बात है। इस सृष्टि में ही विनाश होता है, परंतु कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनके पार्ट का विनाश नहीं होता। सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली है, उनमें भी नंबरवार। बाबा ने समझाया है कि एक है जिस्मानी बाबा और एक है रूहानी बाबा। अभी दोनों का कंट्रास्ट भी तुमको बताना है कि ये रूहानी बाबा कब मिलते हैं, है? संगम में भी कब मिलते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग भी कब कहें, सेवेंटी सिक्स को पुरुषोत्तम संगम युग कहें, तो पुरुषों में उत्तम कब प्रत्यक्ष होता है, पूरा प्रत्यक्ष होता है या नंबरवार को प्रत्यक्ष होता है। तो पूरे को पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे या नंबरवार को कहेंगे, जो देखे जो सुने उन सब के मुख से निकले कि हमारा बाबा आ गया।
जिस बाबा को रू को भक्ति मार्ग में याद करती रहती है, सभी जो भी भगत हैं वो दो बाप को जानते हैं, एक जिस्मानी जिसको कहेंगे विनाशी बाप, वो तो जन्म भाई जन्म घड़ी घड़ी विनाश होते हैं, आत्मा तो विनाश नहीं होती। अभी आत्मा कहती है, आत्मा समझ गई है कि हमारा बरोबर जो लौकिक बाप यानी जिस्मानी बाप है वो तो हम बदलते आए हैं। सतयुग से लेकर के हम बाप बदलते आए हैं। 23/9/64 की वाणी का 5वां पेज, यानी बाप के बगैर तो बच्चे का जन्म नहीं हुआ। ये समझने की पॉइंट से है, क्योंकि विशाल बुद्धि मिली है ना, तो हम कब से दो बाप वाले बनते हैं? कौन से दो बाप है? एक जिस्मानी बाप और दूसरा रूहानी बाप। रूहानी बाप भी बेहद का और जिस्मानी बाप भी बेहद का। ऐसे दो बाप वाले हम कब से बनते हैं? कब से बनते हैं? है? है? अरे टाइम पूछा, संगम युग में भी कब से बनते हैं? है? अरे बच्चा जन्म लेता है तो बाप को जानता है, या समझदार होता है तो बाप को जानता है? अभी तुमको समझ मिली है और समझ भी विनाशी मिली है या अविनाशी मिली है? अविनाशी समझ मिली है। कभी माया अनिश्चय बुद्धि तो नहीं बनाई देती है? अगर माया अविनाशी अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है तो बाप का विनाश हो जाता है, बाप भूल जाता है, तो वो टाइम कौन सा है कि माया अनिश्चय बुद्धि न बना पाए? एक बार निश्चय बुद्धि हो गया तो हो गया। है 76 से बल बाप प्रत्यक्ष होता है। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया भी गया, ये मनाना करना भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में होता है? तो 76 से जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया वो भक्तों के मुआफिक मनाया
यह निश्चय बुद्धि होकर के मनाया है। कहेंगे निश्चय बुद्धि होकर के तो नहीं मनाया, अगर मनाया होता तो आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि सतयुग में एक बाप रहते हैं और उनको ही याद किया जाता है। तो फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? एक बाप को याद करने का। उस एक बाप को तो कोई याद ही नहीं करते हैं। सतयुग में वेद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि आत्मा को याद करने की उनकी दरकार नहीं रहती है। आत्मा को तो सतयुग में अपना शरीर मिलता है, वो गोरा मिलता है और प्रारब्ध का शरीर मिलता है, इसलिए वो बाप को याद नहीं करती है। अभी इस समय में भक्ति मार्ग में तुमको समझाना जरूर है, तुम्हारा एक लौकिक बाप है, वो विनाशी है, और अविनाशी कौन सा है? अलौकिक बाप या पारलौकिक बाप? घड़ी घड़ी तुमको नया बाप जरूर मिलता है, जन्म बाई जन्म, और शरीर छोड़ते हैं तो वो हो गए विनाशी, और ये हुआ अविनाशी। क्यों? विनाश में शरीर छोड़ेगा है? छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा तो अविनाशी। तुम जो आत्मा अविनाशी हो, वो अविनाशी बाप को भी याद करते हो। तुमको जब दुख लगता है तब तुम कहते हो ओ परमपिता, उसका नाम ही है परमधाम में रहने वाला परमपिता। लौकिक पिता के तो कभी परमपिता नहीं कहेंगे, वो कोई परे से परे स्टेज में नहीं रहते हैं। ये समझाना तो बहुत जरूरी है। तुमको तो अभी समझाना है, सतयुग की बात तो पीछे आती है, तो अभी तुमको समझाना है। और रावण के लिए तो तुमको समझाना ही है। तुमको फिर ये बात निकालनी है, समझाना है कि रावण राज्य अभी है यानी पतित राज्य है, और पतित को पावन करने वाले को बुलाए रहे हैं। तो जिसको बुलाए रहे हैं वो कौन है? वो है अविनाशी बाप। क्या सारे कल्प में उसका विनाश नहीं होता है? उस आत्मा के पार्ट का
सारे कल्प में विनाश होता है या नहीं होता है? हैं? भले दुनिया का महाविनाश भी होता है तो भी जो अविनाशी बाप है उसके पार्ट का विनाश नहीं होता है। उनको परम पिता कहेंगे। हर जन्म में जब भी दूसरे बाप मिलते हैं तब भी उनको जरूर याद करते हैं। वो बदलने वाला है और ये अविनाशी बाप बदलने वाला नहीं है। उनका तो नाम रूप बदल जाता है। उनको जो याद करते आते हैं वो कभी बदलते नहीं है। बाप अपने लिए ही कहते हैं तुम बरोबर मुझे याद करते आए हो, हे परमपिता। पहले क्या कहते हो? पहले कहते हो परमपिता, फिर परमात्मा। क्यों आगे पीछे क्यों कहते हो? हैं? जैसे पहले कहते हैं शिव, फिर क्या कहते हैं? शंकर। जैसे पहले कहते हैं बाप, फिर कहते हैं दादा। किस लिए? बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद में। तो पहले परमपिता, फिर परमात्मा। परमात्मा यानी परम आत्मा। कैसी आत्मा? परम पार्टधारी आत्मा। ऐसे तो 500-700 करोड़ आत्माएं, जो भी मनुष्य आत्मा है सब पार्टधारी है, परंतु उनमें परम पार्टधारी कोई एक होगा या बहुत होंगे? एक है। उनको याद करते आते हो जरूर। कब तक तुमको याद करना है और कब तुमको मिलना है वो तो तुम जान गए हो। तो बरोबर जब कलयुग का अंत होता है, भक्ति मार्ग का अंत होता है, तब वो भक्तों को फल देने के लिए आते हैं। क्योंकि फिर भक्ति खत्म हो जाती है और भक्तों को क्या फल देते हैं? बाप ने तो समझाया है कि बरोबर सब भक्तों को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूं। मुक्ति देता हूं, कैसे मुक्ति है? मुक्ति देता हूं विकारी दुनिया से, विकारी दुनिया के दुखों से मुक्ति देता हूं, दुखों के बंधन से तुमको छुड़ाता हूं, माने मुक्त करता हूं। फिर जीवन मुक्ति भी देता हूं, माना जीवन में रहते हुए भी दुखों से मुक्त रहते हो, सुख तो लेते हो लेकिन दुख है? दुख नहीं भोगते हो।
दुखों से मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्ति। तो जीवन मुक्ति भी कहना होता है उनको ही पतितों को पावन बनाना है। किनको? जो मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। ये जानते हो कि बरोबर सतयुग में एक धर्म होता है, अर्थात उनको कहेंगे वननेस। ये जो कहते हैं ना वननेस होनी चाहिए, सभी धर्म मिलकर के एक हो जावे, अभी सभी धर्म तो वननेस नहीं हो सकते हैं ना। जब एक राज्य हो जाता है तब पवित्रता भी है, शांति भी है, सुख भी है, और वो सब भारत में था जरूर। फिर उस समय में तो कोई भी रावण को नहीं जला सकते होंगे, क्योंकि दुख देने वाला कोई होता ही नहीं है। ये तो रावण राज्य है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो तुमको ये सब को समझाना जरूर है, दो बाप सिद्ध कर देना है। एक अविनाशी आत्मा का बाप, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी तो बाप भी अविनाशी। कौन सा बाप? आत्मा का बाप। उसका नाम क्या? उनका एक ही नाम है। क्या है? उनकी बिंदी का नाम शिव है, परंतु जिनकी बिंदी का नाम शिव है उनका ऑलराउंडर पार्ट है, हैं? शिव का ऑलराउंडर पार्ट है रंगमंच पर? नहीं है। वो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका ऑलराउंडर पार्ट है। इसके लिए कहा इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम इस सृष्टि पर एक ही शिव बाबा है। शिव या शिव बाबा? शिव बाबा। एक अविनाशी आत्मा का बाप, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी है तो बाप भी अविनाशी है। और आत्मा विनाशी बाप होते भी उनको जरूर याद करती है। 23964 की वाणी का छठा पेज, ये बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में डालो कि भक्तों के दो बाप जरूर हैं। सब भगत हैं, ये साधु भी भगत हैं, सब बंदे भगत हैं, क्योंकि ये है ही भक्ति कल्ट। इसको कहा ही जाएगा ब्रह्मा की रात। दो बाप का समझाने से फिर समझेंगे वो बाप ही है अविनाशी। बाकी तो सब विनाशी।
उनको कहा ही जाता है नई दुनिया रचने वाला बाप। तो हो जाएगा न्यू वर्ल्ड। क्या रचने वाला है? नई दुनिया। नई दुनिया में तो देवी देवताएं थे, फिर वो ही दुनिया नई से पुरानी बनती है। अभी देखो तुम पुराने बने हो ना, अब 84 जन्म का हिसाब करेंगे, नई दुनिया में हमारे कितने जन्म बीते, पुरानी दुनिया में कितने जन्म बीते, ये बात तो और कोई नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि 84 जन्म का हिसाब पड़ा हुआ है। ये भी कोई नहीं कहेंगे कि 84 जन्म हाफ एंड हाफ होना चाहिए, क्या हाफ एंड हाफ माने 42 + 42 42 ईयर्स नई दुनिया में और 42 ईयर्स पुरानी दुनिया में, ये भी नहीं कहेंगे। क्यों क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि नई दुनिया में आयु लंबी होती है और पुरानी दुनिया में आयु छोटी होती है, तो जरूर पुरानी दुनिया में ज्यादा जन्म और नई दुनिया में कम जन्म। ये 84 जन्म का हिसाब पड़ा हुआ है, 42 नए नए और 42 पुराने, ये नहीं कहेंगे। फिर समझाते हैं कि वहां नई दुनिया में तुम्हारी आयु बड़ी और गाया भी जाता है कि भारत में भारत की एवरेज आयु 125 वर्ष 150 वर्ष थी, भारत की आयु को कहते हैं कि 35 वर्ष हो गई है, कब? कलयुग में। तो ऐसे हो नहीं सकता है कि हाफ एंड हाफ नई दुनिया और पुरानी दुनिया में हो जाए, क्योंकि 84 का हिसाब चाहिए। मुख्य बात है, बाबा ने आकर के कहा है कि बच्चे अभी तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा हुआ और 84 जन्म को तुम बच्चे ही जानते नहीं जानते हो, जानते हो है? गीता में भी अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता है, मैं तेरे को बताता हूं, तो हम तुमको बैठ करके समझाते हैं। 84 के जन्म को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई समझा ही नहीं सकता। ये ड्रामा है ना, उसको भी तो समझाना जरूर है। तो उस बेहद के ड्रामा को मनुष्य ही समझेंगे। पशु पक्षी नहीं समझेंगे। 84 जन्म का चक्कर भी मनुष्य जानेंगे, जानवर तो कोई नहीं जानते हैं। बाप खुद कहते हैं
मैं तुमको 84 का राज समझाता हूँ। कितना बड़ा अच्छा राज है, इस राज को जान करके तुम कितने खुश होते हो। अभी 84 पूरा हुआ, अभी हम चलते हैं अपने धाम। इसके लिए पुरुषार्थ करना जरूर है। इसके लिए अपने धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ है? शरीर जाएगा या आत्मा जाएगी? तो आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। देह याद ना आवे, कैसा पुरुषार्थ है? कर्म करते भी, कर्म इंद्रियों से कर्म करते भी आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ, या बैठ करके आत्मा को याद करने का पुरुषार्थ? कर्म इंद्रियों से कर्म भी करते रहे फिर भी आत्मिक स्थिति बनी रहे। अभी ये नाटक पूरा होता है तो तुम समझते हो, दुनिया तो नहीं समझती है। वो समझते हैं नाटक पूरा होने में अभी 40,000 वर्ष पड़े, इसलिए वो बेचारे घोर अंधेरे में हैं। तो उन्हें तुमको जगाना है। अच्छा, टोली ले आओ। किसने बोला? गणेश को घड़ी घड़ी क्या याद आता था? है लड्डू लाओ। भगवान कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा को। भगवान उनको ही कहेंगे और तुम बरोबर कहते हो बाबा। तो शिव को बाबा ही कहा जाता है। तो बाबा जरूर वर्षा देंगे ना? तो देखो कैसे वर्षा देते हैं और कैसे राजयोग सिखलाते हैं। क्या वर्षा देते हैं? हैं? विश्व की बादशाही कहो, जगत की बादशाही कहो, सारे जगत का वर्षा देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़े? हैं? जगत पर राज्य करने के लिए क्या करना पड़े? इंद्रिय जीते जगत जीत। तो ये राजयोग सिखलाते हैं। उन सिखलाने वाले को सर्वव्यापी नहीं कह सकते। क्या सब राजयोग सिखलाते हैं? हैं? सब तो नहीं सिखलाते। जो बड़ा है उनको सर्वव्यापी कह देते।
तो वो बड़ा बाबा है, वो बड़ा बाबा है तो फिर छोटा बाबा भी होगा या नहीं होगा? कौन? तो ये भूल हो गई है। पांच विकार सर्वव्यापी है, उसके बदले में ये लोग भूल करके कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो जानते नहीं हैं। शिकिल्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का यथा योग्य यथा सर्विस तथा याद प्यार। तो जितनी जो बहुत सर्विस करते रहेंगे वो बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी बाप की याद दिलाते हैं। अब ये दो बाप की तो याद दिलानी है ना, एक और ये दूसरा। तो जो मेरी जास्ती याद दिलाते हैं वो मेरा जास्ती सर्विसेबल बच्चा है। तो कहते हैं नंबर बार सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग ओम शांति।